बिहार विधानसभा के चुनाव में सत्ता एक बार फिर नीतीश कुमार के हाथों में आई। उनके नेतृत्व में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। बिहार के चुनाव ने बता दिया कि भारत देश के लिए, विशेषकर महाराष्ट्र के लिए यह नई दिशा देगी। ऐसे उद्गार पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया ने कहे। साथ ही उन्होंने सभी समाज और किसानों को न्याय मिलने की अपेक्षा जताई। इस जीत के अवसर पर कांग्रेस पक्ष की ओर से जबरदस्त जश्न मनाया गया। पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया के नेतृत्व में युवा नेता राहुल पुगलिया, जिला अध्यक्ष गजानन गावंडे, प्रवीण पड़वेकर, अशोक नागापुरे, देवेंद्र बिरले, मन्ना महाराज त्रिवेदी, प्रशांत दानव, तारा सिंह कलसी, घनश्याम मूलचंदानी समेत असंख्य कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ जश्न रैली निकाली और महात्मा गांधी और बाबा साहेब की प्रतिमा पर माला अर्पण कर अभिवादन किया और लोगों में मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। नतीजे आज आए हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। मोदी जी के 1.5 साल के रिजिम में जातिवादी प्रतिक्रिया वाली शक्तियां सारे देश में सर उठाने लग गई थी और देश के अंदर का माहौल, जो हमारा भाईचारे का माहौल है, वो बिगड़ने लगा था। लेकिन बिहार के चुनाव ने बता दिया है कि भारत सेकुलर है, भारत की धर्मनिरपेक्षता कोई भी रोक नहीं सकता और ये बिहार के चुनाव देश के लिए और ख़ास करके महाराष्ट्र के लिए भी एक नई दिशा देने वाले चुनाव का नतीजा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र में और सारे देश में धर्मनिरपेक्ष शक्तियाँ बरकरार रहे और हमारा जो भारतीय संविधान है, संविधान के माध्यम से ये देश चले, सभी जाति धर्मों के लोगों को न्याय मिले, शोषित पीड़ित गरीब जनता को न्याय मिले, किसानों को न्याय मिले, यही हम अपेक्षा बिहार के आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री की तीसरी बार शपथ लेंगे नीतीश जी से रखते हैं। और मोदी जी अपना रवैया बदले, देश के अंदर भाईचारे का माहौल निर्माण करे, वरना दिल्ली के निकाल और बिहार के निकाल, आपकी लोकप्रियता कितनी है, आपने लोकसभा के समय क्या वादे किए थे जनता से वोट लेते समय, और सत्ता में आने के बाद उसका उल्टा हो रहा है। महंगाई चरम सीमा पे है, शादी गरीब की दाल रोटी भी जो जो गरीब लोग खाते थे उनकी दाल भी गायब हो चुकी है। ऐसे हालात में आने वाली दीपावली एक अच्छा संकेत लेके आई है और दिवाली के शुभ अवसर पर धर्मनिरपेक्ष शक्तियाँ बिहार के माध्यम से सारे देश में मजबूत होंगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और दिवाली की शुभकामनाएं चंद्रपुर जिले की जनता को, शहर की जनता को, सभी लोगों को मैं दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।